देखिए काम को सलाम है, काम काम को सलाम करते हैं सर। एलजी तो पहले भी थे, एलजी कोई पहली बार नहीं है, लेकिन सारा अधिकार एलजी को देने ऐसा नहीं होता। हर किसी का एक हक होता है, एक सरकार एक प्रोटोकॉल के हिसाब से चलती है, तो वो रूल तोड़ा जा रहा है, वो भी तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए दिल्ली के काम तो जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से अच्छे ही हो रहे हैं, मगर इसमें और जो भी कमियां हमें लग रही थी उसमें और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अध्यादेश पारित होगा तो जरूर काम अच्छे होंगे। दिल्ली पर लाए गए केंद्र के अध्यादेश का दिल्ली सरकार लगातार विरोध कर रही है। इसी सिलसिले में बीते कुछ हफ्तों में सीएम केजरीवाल विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे और आने वाले संसद सत्र में इस अध्यादेश को गिराने के लिए समर्थन मांगा था। इसी कड़ी में आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी महारैली की, जहां सीएम केजरीवाल, सीएम मान, सांसद संजय सिंह के साथ और कई बड़े नेता पहुंचे। रैली में भारी संख्या में आम जनता को जुड़ने का भी आह्वान किया गया था और दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ कर आपकी इस महारैली में पहुंची थी। 2024 में जो देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, तो उसकी वजह से अब उनको सत्ता की तीसरी बार वापसी होने की संभावना नहीं दिख रही है। ये केंद्र सरकार को बिल्कुल बंद करना चाहिए, जितना उन्होंने कर रखा सब बेकार कर रखा था, इतनी पब्लिक परेशान है जी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है, अगर इस तरह से फैसले नहीं माने जाएंगे और एक चुनी हुई सरकार, एक केंद्र सरकार अगर इस तरह का उल्लंघन करेगी आम जनता पे, मुझे लगता है इसका बहुत बुरा असर होगा। पावर मिलेगी तभी काम हो पाएंगे, अगर पावर ही नहीं होगी तो फिर काम कैसे होंगे बताइए। सांसद देख लीजिए आप, इस एरिया के सांसद हैं हर्षवर्धन जी, मैंने देखा ही नहीं कभी उन्हें एरिया में आए हुए, दिखते ही नहीं। देखिए दिल्ली के काम तो जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से अच्छे ही हो रहे हैं। दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और इस चीज का एलजी साहब को इस चीज के लिए इस्तीफा देना चाहिए और एलजी साहब को इस चीज के को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझसे गलती हो रही है, मैं दिल्ली की व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा हूँ, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा हूँ और अपनी इस गलतियों को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इस्तीफा देता हूँ। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई गई इस रैली में सीएम केजरीवाल ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि कई साल बाद आज हम रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, 12 साल पहले करप्शन के खिलाफ इकट्ठा हुए थे और आज इस देश से एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। फिर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर एक के बाद एक प्रहार किए। केजरीवाल ने कहा कि पीएम ने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं, हमारे पास एक सत्येंद्र जैन नहीं, 100 सत्येंद्र जैन हैं। आप एक को जेल में डालोगे तो दूसरा काम करने आ जाएगा, लेकिन दिल्ली में विकास का काम नहीं रुकेगा। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहाँ है? तो अब मोदी जी ने तय किया, मैं केजरीवाल को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया, उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया, उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। हमारे पास एक सतिंदर जैन नहीं है, हमारे पास 100 सतिंदर जैन है। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए, काम नहीं रुकेगा दोस्त। जब इनको जेल में डालने से काम नहीं चला तो अब ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ऑर्डिनेंस से ये सारा काम रोकना चाहते हैं दोस्तों। आगे सीएम केजरीवाल ने कहा कि 11 मई को देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हक में फैसला दिया था और 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था। 75 साल में पहली बार ऐसा पीएम आया है जो कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही और हिटलरशाही कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जनता सुप्रीम है, मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि दिल्ली की जनता सुप्रीम नहीं, एलजी सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया, 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं
आज इस मन से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी केजरीवाल सरकार का समर्थन किया। इस दौरान इस महारैली में पहुंचे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी केजरीवाल सरकार का समर्थन किया और कहा कि वक्त आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर मोदी जी का सामना करना होगा। बता दें कि जुलाई अगस्त में संसद का मानसून सत्र होने वाला है जहां केंद्र सरकार की तरफ से वो अध्यादेश लाया जाएगा जिसमें दिल्ली के एलजी को अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का अधिकार होगा। इस अध्यादेश को गिराने के लिए सीएम केजरीवाल ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। अब इंतजार है मानसून सत्र का जो इस अध्यादेश की वजह से हंगामेदार रहने वाला है।